हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत ग्रामर, जो कि 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो फिर देखिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले वचन देखते हैं। वचन तीन तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में केवल एक ही आते हैं, द्विवचन में दो आ जाते हैं पर्सन, और बहुवचन में दो से अधिक आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करेंगे हम सह की, आप देख रहे होंगे सह, सह मीन्स क्या होता है, सह मीन्स वह। जैसे इंग्लिश में ही होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मेल पर्सन के लिए, वैसे ही संस्कृत में सह होता है, सह मीन्स वह मेल पर्सन के लिए। तौ मीन्स वे दोनों, ठीक है, और ते मीन्स वे सब, स तौ ते, ये याद रखिए ये मेल पर्सन के लिए है। अब उसी तरह फेमिनिन जेंडर के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए सा होता है, लड़की के लिए वह के लिए सा, और वही लड़की अगर दो रहेगी तो वे दोनों के लिए ते, और वे सब के लिए ता। ठीक है, दो लड़कियां रहेंगी तो ते, और बहुत सारी लड़कियां रहेंगी तो ता, वह स सा ते ता। तो मेल पर्सन में एक वचन के लिए वह स हो जाएगा, द्विवचन में तौ हो जाएगा, वे दोनों इसका मतलब हो गया, बहुवचन में ते हो गया, मतलब इसका वे सब, मतलब ये मेल पर्सन के लिए हो गया। वहीं फीमेल पर्सन के लिए सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। अब संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में आ जाते हैं मेल पर्सन, ठीक है, बॉयज वगैरह मेल पर्सन, जैसे स वह बॉयज के लिए राम श्याम आदि, स का मतलब वह होता है। स्त्रीलिंग यानी फीमेल पर्सन आ जाते हैं, जैसे सा और सीता गीता आदि, ये मैंने पिछले में बताया है। नपुंसक लिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें जान नहीं होती, मोमेंट नहीं होती, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं जैसे टेबल, कलम आदि, ये सब जो है ना वो नपुंसक लिंग यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। आदि ETC, जैसे इंग्लिश में हम ETC लिखते हैं, वैसे ये आदि इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपको लिंग। अब आगे चलते हैं, तो इस तरह इसे अच्छे से याद कर लीजिए, लिंग तीन तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब आते हैं पुरुष। संस्कृत में पुरुष को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बेसिक होता है, इसी से संस्कृत समझा जा सकता है ग्रामर को। पुरुष तीन तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए, ठीक है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, ओके। और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, ठीक है, जैसे तुम दोनों, तुम लोग, इसे अच्छे से याद करना है। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, उत्तम पुरुष कहने वाला, जैसे मैं कह रही हूँ ना तो उत्तम पुरुष हो गई मैं, तो उत्तम पुरुष कहने वाला, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष कहने वाला, ठीक है, वे दोनों, ये सब आ जाएंगे। अब प्रथम पुरुष में मैं संस्कृत बता देती हूँ, वह का होता है सह, वे दोनों का तौ और वे लोग का ते, ठीक है। ये अगर मेल पर्सन की बात की जाए, वह, वे दोनों, वे लोग की तो। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जैसे तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम। अब देखिए माँ में हलंत इस तरह से लगाना है आपको, ठीक है, फॉन्ट में मैं लगा नहीं पा रही थी इसलिए मैंने अलग बताया। तो युवाम में भी हलंत लगेगा और तुम लोग का युयम में भी हलंत लगेगा, माँ में केवल। और उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, जैसे कि मैं का संस्कृत हो गया अहम, अहम में भी हलंत लगेगा, हम दोनों का आवाम, आवाम में भी हलंत लगेगा, और हम लोग का वयम, वयम में भी हलंत लगेगा। ये मैंने बता दिया हलंत कैसे लगाना है, उसे हलंत आपको ज़रूर लगाना है। हिंदी फॉन्ट में मैं लगा नहीं पा रही थी इसलिए मैंने नहीं लगाया है, मैंने आपको समझा दिया कि हलंत कैसे लगाना है, ठीक है, इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर रखनी है, ठीक है, सबको अच्छे से याद कर लेना है। तुम की संस्कृत क्या होती है, तुम दोनों का क्या होता है, तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, इस तरह से आप अच्छे से याद कर ले। और हलंत लगाना बिल्कुल भी मत बोलो जहाँ पर मैंने बताया है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ये मैंने जो संस्कृत बताया है वो 6, 7, 8 सबके लिए है, वो बेसिक है ये, तो ठीक है। वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।